इडली का ग्रेवी मैंने इसको बना दिया था सुबह में ही, अच्छे से ये फूल गया है। अब मैं इसको इडली बनाऊंगी। मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी। अब मैं इडली का जार तैयार कर लूंगी। सब में मैं ऑयल थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी और फिर मैं इडली का पेस्ट डालूंगी। मैं इडली का जार भर लूंगी और मैंने अच्छे से इसको इडली को डाल लिया है जार में। और इडली को इसके अंदर डालूंगी। अब मैं 15 मिनट इसको पका लूंगी इडली को। अब मैं इडली को अच्छे से, मेरा पक गया है, मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी। मेरा इडली बहुत सॉफ्ट हुआ है, बना है। मेरी इडली बन के रेडी हो गया और मैं इसको सर्व करूँगी। बनाने जा रही हूँ नारियल की चटनी। इसके लिए मैंने सिंगदाना, चना भुना हुआ और थोड़ा सा 8-10 कड़ी पत्ता, थोड़ा सा धनिया, इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। चटनी के लिए नारियल को अच्छे से, फिर मैंने नारियल को धो के इसमें मसाले को अच्छे से पीस लूँगी चटनी के। और मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी। ये मैं चटनी तड़का दे दूँगी।